हाय फ्रेंड, आज हम आपके सामने संज्ञा, जो हिंदी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जो स्टेट की एग्जामों में अधिकतर पूछा जाता है, वो चाहे आप BDO का एग्जाम हो, या लेखपाल का एग्जाम हो, या किसी भी जो आपके उत्तर प्रदेश के द्वारा कराया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, UPSI हो, इसमें लगभग ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्प साबित होगी। आइए हम लोग देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो संज्ञा है क्या? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। क्या होता है? नाम। ये महत्वपूर्ण पाठ है। सो आपको पता चल रहा है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। अब नाम में ध्यान रखना है तो किसका नाम, ये आपको पता होना चाहिए। तो नाम तो हम बता ही है। तो आप एक चीज ध्यान रखें कि ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे हम आपके सामने ये पेन है, तो इसका नाम है क्या? एक कलम है या पेन है, तो इसका कुछ तो नाम है। और भी जो भी चीजें हैं ब्रह्मांड में उसका कुछ ना कुछ नाम जरूर है। तो आप ध्यान रखेंगे कोई भी ऐसी चीज जो आसपास है आपके, उसका कुछ ना कुछ तो नाम है। नाम में क्या हो सकता है? वो व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। ब्रह्मांड में क्या क्या हो सकता है? व्यक्ति हो सकता है, और क्या हो सकता है? वस्तु हो सकता है, और क्या हो सकता है? और आपका स्थान हो जाएगा, स्थान का नाम। एक जो भाव होता है, भाव भी। तो आप यहां एक चीज और ध्यान रखें, तो जो व्यक्ति, वस्तु और स्थान तो हमें दिखाई देता है, मतलब ये जो है दिखाई देता है, और इसको बोल सकते हैं दृश्य है, विजिबल है। तो ये क्या है? दिखाई देता है, या बोल सकते हैं आकार है इसका। आकार व आकृति होती है। क्या होता है? आकार व आकृति होती है, इसका आकार और आकृति होती है। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाव का कोई आकार और आकृति नहीं होती, इसलिए इसको अदृश्य बोला जाता है, ये दिखाई नहीं देता। अगर हम आपसे कहें कि क्रोध, तो क्या हमें क्रोध दिखाई देता है? क्रोध तो दिखाई नहीं देता, उसका कोई आकार और आकृति नहीं होती। अब जैसे हम कहें मिठास, तो मिठास क्या हमें दिखाई देती है? कहेंगे नहीं दिखाई देती, और वही मिठाई हमें दिखाई देती है, ठीक है। सो आप ध्यान रखेंगे, सो ये व्यक्ति, वस्तु और स्थान क्या होता है? हमें दिखाई देता है। अब आते हैं इसके प्रकार पे। तो ये दो प्रकार से बांटा गया है, एक व्युत्पत्ति के आधार पर, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर, आधार पर संज्ञा के भेद या प्रकार बोल सकते हैं, संज्ञा के भेद। तो ये संज्ञा के भेद जो है यहां तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। अब बोल सकते हैं इनको तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है आपका रूढ़, सेकेंड है यौगिक, एंड थर्ड है आपका योग रूढ़। तो इसकी बात हम इसमें इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे। अब जो है हम जो चर्चा करेंगे वो आपके लिए इतना बताना था कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को कितना भागों में बांटा गया है, तो तीन प्रकार के बांटा गया है। हमें जो पढ़ना है इसमें वो है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद, अर्थ के आधार पर, आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद, तो अर्थ के आधार पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पांच प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट अगर हम देखें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा। सेकेंड हो जाता है आपका जातिवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। एंड थर्ड हो जाता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक को हम धातुवाचक भी कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, धातुवाचक भी कहते हैं, अब ये संज्ञा है। एंड फोर्थ नंबर का जो हो जाएगा आपके सामने, और वो हो जाएगा आपका क्या, यहां लिख सकते हैं वस्तु, जाति हो गया, द्रव्य हो गया, अब हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। क्या हो जाता है? समूह वाचक। वाचक मीन्स क्या होता है? बताने वाला। समूह वाचक मतलब समूह को बताने वाला, समूह वाचक संज्ञा। एंड फिफ्थ नंबर का आपका आ जाएगा, वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। सो आपकी ये पांच प्रकार हुए। पहला प्रकार जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्य या धातुवाचक संज्ञा, फोर्थ नंबर पर है समूहवाचक संज्ञा, और फिफ्थ नंबर पर है भाववाचक संज्ञा। ये तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद हुए। इसमें हम लोग किसको पढ़ते हैं वो ध्यान से सुनिए। तो इसमें हम लोग जो है संज्ञा को जो पढ़ते हैं, और इसमें जो है व्यक्ति कौन कौन होता है, व्यक्ति होता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को दर्शाता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता हो, तो वही क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम यही जातिवाचक की बात करें, तो जातिवाचक संज्ञा क्या करेगा? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थान। अब ये क्या कराएगा? स्थान के क्या कराएगा? स्थान को ध्यान रखना है, स्थान के जाति, स्थान के जाति का बोध कराता है, जाति या समूह बोल सकते हैं क्या, जाति, समूह एंड वर्गो, वर्ग का भी क्या कराता है? ये बोध कराता है। किसका किसका बोध कराता है? किसका? वर्ग के। ध्यान रखना है ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान के, जाति, समूह, वर्ग के नाम का बोध कराता है, के नाम का बोध कराता है, उनके नाम को बताता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बोल दिए लड़का, तो लड़का क्या है? व्यक्ति है, और व्यक्ति में क्या कर रहा है? इनके क्या जाति है, तो मतलब लड़का एक जाति हो गई। ऐसे राम एक लड़का है, श्याम एक लड़का है, तो लड़का कॉमन शब्द आ रहा है, इसीलिए इसको कॉमन नाउन भी बोलते हैं। तो बहुत अच्छा, इंग्लिश में आप इसको समझ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। चलिए अगला इसको देखते हैं, समझते हैं। तो अगला दिया है धातु, द्रव्यवाचक या धातु, ये पदार्थों के नाम को दर्शाता है। किसके नाम को? पदार्थों के नाम को, ध्यान रखना है, पदार्थों के नाम को दर्शाता है। अगर आगे हम बात करें, सो ये किसको दिखाएगा? जैसे ये जो है संगठन, किसके नाम को दिखाएगा? संगठन, सीमित, और किसको दिखाएगा? दल, समुदाय, ये सबको दर्शाता है। अगर भाव की बात करें, तो भाव के नाम को, यहां भाव जो होगा उसके नाम को ही क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो हम यहां समझ चुके हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को। जातिवाचक में क्या लेंगे? व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति, समूह या वर्गों के नाम। इसके जाति होगी, वर्ग होगा या समूह, इनके नाम को भी क्या बोलेंगे आप? जातिवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में क्या बोलेंगे? पदार्थ के नाम होंगे, जैसे आपका दूध हो गया,
चीनी हो गई, मतलब जिसको आप तौल सके नाप सके वही क्या कहलाता है, द्रव्यवाचक में आएगा। संगठन हो, समिति हो, दल हो, समुदाय हो, तो ये किस में आएगा, समूहवाचक में। ठीक है, भाववाचक की अगर बात करें तो भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, जिसका अभी हम चर्चा किए गए कि यहां जो है, यहां एक चीज और हम लोग चर्चा किए, और चर्चा में क्या किए कि व्यक्ति, यहां हम लोग इसके पहले क्या चर्चा किए उसको समझ लेते हैं। इसमें हम लोग चर्चा किए कि व्यक्ति वस्तु और स्थान जो होते हैं दिखाई दें और उसका आकार और आकृति हो, और भाव में क्या होता, अदृश्य होता है। सब यहां अगर हम आ जाएं और यहां अगर हम समझें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, हमें दिखाई देता है। अब हम एक एक पार्ट को समझते हैं, ठीक है, इसके एक एक पार्ट को समझते हैं बारी बारी से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके एक एक भाग को। तो पहला भाग है इसका, और वो जो आएगा वो आएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आप वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही समझ में आएगा कि कैसे आपको ये रटना ही नहीं पड़ा, आपको रटने की कोई जरूरत है नहीं, और आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो इजीली आप कर सकते हैं और अलग कर सकते हैं। तो पहली बात थी ये भाव, इसको क्या हम समझेंगे, ये दृश्य होता है। क्या होता है, ये दृश्य मतलब दिखाई देने देते हैं। प्लस ध्यान रखना है हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, सदैव क्या होते हैं, सदैव जो होते हैं एक वचन में होते हैं, सदैव या हमेशा एक वचन में, किसमें होते हैं, एक वचन में होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। और इनका क्या किया जाता है, बहुवचन, वे जिनका बहुवचन क्या होता है, नहीं बनाया जा सकता। जिसका बहुवचन बनाया जाएगा वो किस में आएगा, आपका व्यक्तिवाचक में आएगा, सॉरी जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता वो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और जिसका बहुवचन बनाया जा सके, जो देखने में तो आपके क्या लगे, कहने का मतलब एक वचन में हो, जिसका बहुवचन बनाया जा सके, जैसे पुस्तक, एक उदाहरण हम ले रहे हैं पुस्तक, तो पुस्तक तो एक वचन है, बट इसका हम क्या बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं पुस्तके। अगर हम इसका पुस्तके बना सकते हैं, इसलिए ये किस में रखा जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जिसका बहुवचन बनाया जा सके सदैव किस में रहते हैं, एक वचन में रहते हैं, और जिसका बहुवचन बनाया जा सके वह किस में आएगा, इसमें नहीं आएगा, किस में आ जाएगा, वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब जैसे पुस्तक में कौन सी पुस्तक, जैसे रामायण की बात करें तो रामायण, बहुत सारे रामायण की ग्रंथ नहीं है, पुस्तक नहीं है, मतलब वो यूनिक हो, ऐसा भी बोल सकते हैं, यूनिक हो। जैसे गंगा नदी है तो गंगा नदी का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अब जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, सदैव एक वचन में और दिखाई देता हो, तो पुस्तक यहां दिखाई देने वाला है लेकिन इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, इसलिए ये जाति ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं रखा जाएगा। और सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे हम कहें गंगा, यमुना, यमुना, और यही एक शब्द हम अगर डाल दें आपके लिए, नदी। अब देखिए समझिए, ये नदियों के नाम हैं, गंगा यमुना, तो गंगा का बहुवचन बनाया जा सकता है क्या, गंगे नहीं, यमुना यमुना नहीं बनाया जा सकता, लेकिन नदी का नदियों बनाया जा सकता है, इसीलिए ये तो नहीं आएगा। ठीक है, ये तो फिर इसका मतलब नहीं आएगा, इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में नदी शब्द नहीं रहेगा, तो गंगा रहेगा, यमुना रहेगा, कानपुर ले लो, किसी भी देश का नाम ले लो, किसी भी वस्तु का, जो जो भी ध्यान रखना है, किसी भी देश का नाम ले लो, चाहे वो, आप ऐसा भी ले सकते हैं कि
सप्ताह के नाम ले लो, सप्ताह के नाम भी किस में आएंगे आपके, चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो। तो यहां कॉमन शब्द समझना है जिसका बहुवचन। अब बताओ सोमवार है तो सोमवार को जो है सोमवार का क्या बहुवचन बनाया जा सकता है? सोमवार का बहुवचन, तो बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। क्या बहुवचन बनेगा? कहेंगे नहीं बनेगा। तो जिसका बहुवचन ना बनाया जा सके वो आपका क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझा चुके हैं, किसी भी शब्द को आप ऐसे ही तरीके से अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे राम है, राम क्या है? एक नाम है। किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है। तो राम का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जैसे लड़का है तो लड़का क्या है? एक नाम है। किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है। लेकिन अब उसको अलग कीजिए, जैसे आपके पास लड़का है तो लड़का का बहुवचन बनाया अगर जा सकता है तो आप कहेंगे हाँ सर बनाया जा सकता है, लड़के हो जाएगा। तो लड़के शब्द जो है इसका मतलब बहुवचन हो गया। इसका मतलब ध्यान ये रखना है कि लड़का का लड़के हो गया, इसका मतलब ये जो है व्यक्तिवाचक नहीं है, लड़का व्यक्तिवाचक नहीं है। ठीक है, आपको समझ में जरूर आया होगा। अगले की हम बात करें, अब हम आ जाते हैं जातिवाचक में। तो जातिवाचक संज्ञा क्या आ जाता है? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इसमें ध्यान रखना है। तो इसका भी पॉइंट समझ लीजिए, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? ये आपको दिखाई देने वाली चीजें होती हैं, दृश्य होता है, दिखाई देने वाली होती है। यहां ध्यान रखना है कि इसका बहुवचन या वे, इसका क्या होता है? ये बहुवचन में होता है। बहुवचन हो या एक वचन को, या वे एक वचन जिसका, वे एक वचन जिसका बहुवचन, जिसका बहु, जिसका बहुवचन बनाया जा सके, जा सके। तो यहां ध्यान रखना है दृश्य होना चाहिए, मतलब दिखाई देने वाला होना चाहिए। बहुवचन हो या वे एक वचन जिसका बहुवचन बनाया जा सके, वो किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हम रख देते हैं, जैसे नदी, लड़का, पुस्तक, अभी सब समझाते हैं। पुस्तक आप जैसे ले लीजिए, और सारी चीजें पुस्तक, ठीक है, पेड़ ले लो, और नदी हो गई, लड़का हो गया, पुस्तक हो गया, तो और सारे एग्जाम्पल सोच सकते हैं। जैसे आप पर्वत, पर्वत, ठीक है, अब पर्वत भी ले लेते हैं, बहुत सारे और चीजें सोच सकते हैं, जैसे सप्ताह, और महीना। तो बहुत सारे शब्द हैं, ये शब्द हैं ध्यान रखना। नदी, नदी क्या है? एक वचन में है, लेकिन इसका हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे पुस्तके, नदी क्या है? एक वचन में। तो यहां लिखा गया वे एक वचन जिसका बहुवचन बनाया जा सकते हैं, नदियां बनाया जा सकता है, इसीलिए ये जातिवाचक में। लड़का एक वचन है, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, लड़के। पुस्तक है, पुस्तके बनाया जा सकता है। पेड़ है, पेड़े, पेड़ों बनाया जा सकता है। पर्वत है, तो पर्वते ना, बहुत सारे पर्वते दिखाई दे रही है, तो ध्यान रखना है पर्वत। अब पर्वत में अगर मैं हिमालय पर्वत की बात करूं तो हिमालय शब्द क्या है? हिमालय का बहुवचन, कोई और हिमालय नहीं है, हिमालय अकेला है, यूनिक है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? पर्वत क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक, एक जाति का बोध करा रहे, लेकिन वही क्या है, और सारा ले सकते हैं, जैसे कक्षा, ठीक है, लड़की, बहुत सारा चीज है। सप्ताह, सप्ताह है, महीने,
महीना का बहुवचन महीने, पुस्तकें तो बहुवचन में ही होती, बहुवचन हो या जिसका एक वचन से बहुवचन बनाया जा सके। कक्षा कक्षाएं, तो आप समझ रहे हैं, तो सभी क्या किस में आ जाते हैं, जातिवाचक में आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अगले पार्ट आगे देखते हैं। तो अगला क्या है आपका, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्य वाचक या बोल सकते हैं धातुवाचक, तो कहीं कहीं धातुवाचक भी बोल दिया जाता है, द्रव्यवाचक या धातुवाचक। अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से, इसमें क्या क्या चीज आता है, आपका द्रव्यवाचक में क्या क्या आ जाता है। जैसे यहां आपको हम बताए थे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की पदार्थों के नाम, क्या बताए थे, पदार्थों के नाम। तो आपको यही समझना है कि पदार्थों के नाम क्या हैं। तो पदार्थों के नाम कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे धातु का नाम। तो जिसको अब एक और शब्द बता दे सकते हैं, धातु का नाम, क्या, धातु का नाम। तो धातु का नाम को क्या बोलते हैं, जैसे धातु में क्या क्या आ सकते हैं आप ये ध्यान रखिए, जैसे यहां सोना आ सकता है, गोल्ड नहीं सोने स्लीप समझ लो, सोना, चांदी, और ले सकते हैं लोहा, मतलब जितने भी धातु हैं वो सब किस में आ जाएंगे, पदार्थ में हो जाएंगे, और वो किस में आ जाएगा, द्रव्य या धातुवाचक संज्ञा में आ जाएगा। और ये भी ध्यान रखें, जिसे मापा जा सके, जिसे, बहुत अच्छा शब्द लिख रहे हैं, जिसे मापा या तौला जा सके, तौला जा सके, तो जिसे माप या तौल सकते हैं वो किस में आएंगे, द्रव्यवाचक में आएंगे। चाहे आप गेहूं ले लीजिए, चावल ले लीजिए, सभी किस में आएंगे, इसी में आ जाएंगे। तो गेहूं चावल भी किस में होंगे, गेहूं चावल तेल, आप बोल सकते हैं घी, आप बोल सकते हैं दूध, बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। इस सबको तौल सकते हैं, माप सकते हैं, वो किस में आ जाएगा, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको, बहुत ही इजीली आपको आ जाएगा, ठीक है, ओके। आगे हम लोग देखते हैं, तो अगला जो है आपका वो है समूहवाचक संज्ञा। क्या है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो आप देखते हैं समूहवाचक संज्ञा में क्या है, तो ध्यान ये रखना है समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। समूहवाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का, ध्यान रखना है एक व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का वाचक ना होकर, किसी एक व्यक्ति का वाचक ना होकर समूह या समुदाय की बात करता हो, समूह या बोल सकते हैं समुदाय, पूरे समुदाय की बात करे, पूरे समुदाय की बात करे, की बात करे, वो किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में अब हो सकते हैं आर्मी, जो एक आर्मी ये शब्द है, ये जो आर्मी शब्द है, और आर्मी को अगर समझें तो ये एक समूह है, इसमें कई लोगों का, ये क्या होता है, आर्मी क्या होता है, सैनिकों के समूह को ही आर्मी बोला जाता है, तो बहुत सारे सैनिक होते हैं, ठीक है। तो आर्मी एक शब्द क्या है, ये व्यक्ति का वाचक नहीं है, ये एक समूह का या समुदाय का वाचक है। अब बोल सकते हैं और सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पुलिस, और ले सकते हैं सेना, वही आर्मी हो गई, टीम, दल, ठीक है, और बोल सकते हैं आप जो है दल हो गया, समिति हो गई, सीमित हो गई, संगठन हो गया,
ठीक है, और बहुत सारा ले सकते हैं, और ताश हो गया, तास भी इसी में आ जाएगा, कर्मचारी भी इसी में आ जाएगा, कर्मचारी। तो ये कर्मचारी एक समूह की बात करता है। अधिकारी भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। एक क्या है, एक समुदाय की बात करते हैं, तो ये किसी में आ जाएंगे, सभी इसी में आ जाएंगे। किसको दर्शाएंगे, समूह को दर्शाएंगे। जैसे एक प्रश्न अगर आ जाए, बहुत सारे लोग, देखिए बहुत सारे लोग, जैसा मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं, बहुत सारे लोग CAA के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब ये अंडरलाइन कर दें। तो यहां ध्यान रखना है, जुलूस निकालने का मतलब क्या है। जुलूस जो निकलता है या धरना प्रदर्शन करते हैं, वो अकेला नहीं करता है, उसमें बहुत सारे लोग, एक दो या दो से अधिक लोग रहते हैं। तो वो जुलूस शब्द क्या हो जाएगा आपका, इसी में आ जाएगा। तो ये CA के खिलाफ चल भी रहा है बहुत सारा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये समूहवाचक हो गया। आगे जो हम बचता है वो भाववाचक, जो आपके एग्जाम में इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। भाववाचक क्या बचता है, भाववाचक। तो भाववाचक को समझना है तो ये समझिए कि क्या होता है, जिसका यहां ये अदृश्य होता है, हम इसकी बात किए थे, क्या होता है, अदृश्य होता है। और ये दिखा बोल सकते हैं, अदृश्य का मतलब दिखाई देने ना वाला, ना दिखाई देता है ना, बोल सकते हैं ना दिखाई देने वाला, ठीक है। तो ऐसा इसको काट दीजिए, अदृश्य मतलब ना दिखाई देने वाला। और क्या होता, आकार और आकृति नहीं होती, जिसको जिस शब्द को सुनने पर उसका माइंड में कोई आकार और आकृति ना बने, आकार या आकृति ना बने, ना हो या ना बने, ध्यान रखना है। तो यही भाववाचक होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप जो है क्रोध, तो क्रोध का कोई आकार और आकृति नहीं होता है। जैसे हम आपके सामने मिठाई रख दें, तो मिठाई कोई मिठाई तो आपको दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती, तो मिठाई आपको दिखाई देती है, आप देख सकते हैं उसका आकार, आप माइंड बन जाएगा कैसा रसगुल्ला का आकार होता है, गोला होता है, क्या होता है। बट वहीं अगर हम बात कर लें मिठास की, तो मिठास क्या है, एक अनुभव है, एक फीलिंग है, बट इसका कोई आकार आकृति नहीं होता है। और अब ले सकते हैं यौवन, यौवन, और ले सकते हैं जो है बहुत सारे एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं क्या, मिठास हो गया, यौवन हो गया, और क्या कुछ चीजें और दिखाई देने ना देने वाले जो हम लोग देखते हैं, इस महसूस करते हैं, जैसे कालिमा भी है, ठीक है, कालिमा हो गई। और ध्यान ये रखना है कि ये सारे चीजें हमें जो है दिखाई नहीं देती हैं, बस इसका हम क्या कर सकते हैं, जो अनुभव कर सकते हैं, इसका कोई आकार और आकृति नहीं होती है, ठीक है। अब ध्यान रखना है कुछ ऐसे और शब्द हैं जो ध्यान आपको ये रखना है कि वो प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर बनाए जाते हैं, बोल सकते हैं प्रत्यय लगाकर जो है बनाए जाते हैं। जैसे पुरुष, ध्यान रखना है जातिवाचक से भाववाचक में भी बनाया जाता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है हम आपको करा देते हैं। जातिवाचक से भाववाचक बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, भाववाचक बनाया जाता है। कौन कौन से शब्द हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आते हैं एग्जाम में, जैसे ही पुरुष शब्द हो गया,
पुरुष शब्द है, तो इसको क्या बनाया जाएगा, पुरुषत्व, पुरुषत्व। तो इसमें क्या लगा दिया जाता है, प्रत्यय लगा दिया जाता है। क्या लगाया जाता है इसमें, त्वा क्या है आपका, यहाँ प्रत्यय लगाया गया। क्या लगाया गया, प्रत्यय। जो लास्ट में जुड़ता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, जो पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। अब जैसे नारी, नारी का क्या हो जाएगा, नारित्व। क्या हो जाएगा, नारित्व, ठीक है। और अपना का अपनत्व, बहुत सारे जो बहुत ज्यादा, ये पुरुष वाला तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बनता ही है, अपनत्व। मम का क्या हो जाएगा, मम भी इंपॉर्टेंट है, ममत्व। तो प्रत्यय लगा देने से किसमें बदल जा रहा है, जाति किसमें बदल जा रही है, भाववाचक में बदल जा रहा है। किसमें बदल जा रहा है, जाति जिसमें भाववाचक में बदल जा रहा है। जैसे गुरु है तो गुरु भी किसमें बदल जाएगा, गुरुत्व में बदल जाएगा। किसमें, गुरुत्व में बदल जाएगा, ठीक है। किसमें बदल जा रहा है, गुरुत्व में बदल जा रहा है। तो ध्यान रखना है, तो आप प्रत्यय से जैसे निज है, निज शब्द है, ये किसमें बदल जाएगा आपका, निज शब्द जो है वो निजत्व में बदल जाएगा। क्या लगाना है, लास्ट में ये जोड़ देना है, तो निजत्व। तो कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है, कौन सा भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक बनाइए, या कौन सी संज्ञा है, ये नाम ही पूछ लेता है। जैसे अभी बात कर रहे थे मिठाई से क्या बना है, मिठास शब्द बना है, तो मिठाई से भी मिठास शब्द बना हुआ है। आइए आगे, आगे जो है कुछ विशेषण शब्द होते हैं, जैसे विशेषण से भी क्या बनाए जाते हैं, विशेषण से भी भाववाचक बनाए जाते हैं। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सुंदर, सुंदर क्या है, एक विशेषण है, लेकिन इसी से क्या बनाया जाएगा, सुंदरता। क्या बनाया जाएगा, सुंदरता। तो सुंदरता हमें दिखाई नहीं देती है, या सौंदर्य। अब जैसे वीर शब्द है, वीर क्या है, एक आपका विशेषण है, वीर व्यक्ति, तो जिसके साथ हम लगा सकें वो विशेषण होता है। लेकिन अब बताइए, हम इसी को बना देते हैं वीरता, तो क्या वीरता। जैसे विशेषण और भाववाचक में बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसके लिए बहुत आसान तरीका है, किसी व्यक्ति के साथ, किसी जैसे नाम के साथ लगाए, जैसे राम वीर व्यक्ति है, वीर राम, तो लगा सकते हैं, लेकिन हम वीरता राम नहीं लगा सकते। तो संज्ञा के पहले आप दो संज्ञा नहीं ले सकते एक साथ ना, चूंकि राम क्या एक संज्ञा है, तो उसके पहले भी संज्ञा नहीं लगा सकते, विशेषण लगा सकते हैं, इसलिए आप ऐसा अलग कर सकते हैं। जैसे और बोल सकते हैं, लाल का ललिमा, लाल का क्या हो जाएगा, ललिमा। और ले सकते हैं भोला का भोलापन, 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 ठीक है। और आप ध्यान रखना है, कुछ जो है और कैसे बनाए जाते हैं, जैसे बहुत सारे और शब्द हैं, जैसे डायरेक्टली, जैसे भारतीय है, जैसे भारत का क्या बनाया जाता है, इसके, वो तो विशेषण में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये समझ चुके हैं आसानी से, तो ये आई होप आपको ये पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। और आगे हम कुछ क्वेश्चन पर करते हैं, सो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आई हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जल्द से ही कुछ क्वेश्चन हैं जो इससे पूछे गए हैं, और आप ध्यान रखना है, हम प्रैक्टिस के तौर पर वो क्वेश्चन करवा दे रहे हैं कि आपको पता चलना चाहिए कि जो हम पढ़े हैं वो एग्जाम में आया है कि नहीं आया है। तो देखिए, ये पहला जैसे क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, दो क्वेश्चन रखे गए हैं। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, विचार, घोतक शब्द, यहाँ घोतक मतलब उनके क्या बोला जाता है वो ध्यान ये रखना है। तो विचार क्या क्या, विचार, वस्तु, तो अब बताइए क्या रख बोला जाएगा, वस्तु,
स्थान भाव व विचार के घोतक शब्द को संज्ञा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संज्ञा। थोड़ा से अलग कर देता है शब्दों को, पर ध्यान रखना यहां व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं। तो इसको हम चर्चा किए थे, कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से भी हम इसको आप दिखा देते हैं, यहां आपको समझाया भी गया था। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। तो तीन प्रकार के होता है। आगे अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन जो है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब बताइए, स्त्री से त्वा प्रत्यय लगाया गया है। अभी त्वा प्रत्यय लगाकर क्या बनाया जा सकता है? भाववाचक बनाया जा सकता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। चलिए कुछ और क्वेश्चन है जो हमारे पास इसमें, उससे हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। सो आप भी यहाँ क्या दिया है वो समझ लीजिए, जो इससे क्वेश्चन होगा उसी को हम कराएंगे। यहाँ दिया हुआ है, जैसे ये बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। ध्यान रखना, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छिपे हुए संज्ञ शब्द की संज्ञा बताइए। अब जैसे बुढ़ापा में पा क्या लगा दिया गया? प्रत्यय लगा दिया। बूढ़ा शब्द से क्या बना? बूढ़ा तो हमें दिखाई देता है, बूढ़ा, जैसे बूढ़वा बोलते हैं हम लोग ना गाँव में, बूढ़वा बोल देते हैं। तो बूढ़ा शब्द क्या है? दिखाई देने वाला, लेकिन बुढ़ापा में नहीं दिखाई देता। तो बुढ़ापा जो उसका आकार और आकृति नहीं होता था, बुढ़ापा का आकार और आकृति नहीं होता किसमें आ जाएगा? भाववाचक में आ जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए क्वेश्चन में, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोधी मतलब क्रोधी व्यक्ति, क्रोधी राम, क्रोधी श्याम, इसका मतलब उसके पहले शब्द, संज्ञा के पहले एक शब्द लग रहा है और वो विशेषण का काम करता है। संज्ञा के पहले आने वाला शब्द उसकी विशेषता को प्रकट करता है, इसलिए ये विशेषण हो जाएगा, क्रोधित भी हो जाएगा। बट ध्यान रखना है, क्रोध अभी से बताया गया, तो क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन और हैं जो इससे आ जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए, भाववाचक संज्ञा बनाइए। कौन सा है? जैसे लड़कापन, लड़काई, लड़काई और लड़काईपन और लड़कपन। लड़कपन क्या हो जाता है? लड़कपन हमें दिखाई आकार नहीं देता, इसलिए भाववाचक में ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, आगे कुछ शब्द और देख लेते हैं जो इससे संबंधित क्वेश्चन में है। हाँ, यहां देखते हैं, देखिए सब यहां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा, अभी आ जाने आप तरीका लगाना, जैसे शत्रुता, क्या है? शत्रुता। अब यहीं आ गया वीर, क्या है? वीर, वीर राम, वीर श्याम। तो वीर का भी बताया गया था, वीर शब्द क्या है? एक विशेषण है, जैसे वीर राम हो गया। अगर हम बात करें वीर राम, तो वीर राम, राम के पहले वीर शब्द आ रहा है, तो राम भी एक संज्ञा है। वीर अगर संज्ञा मान लेते तो गलत हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा दो साथ में नहीं होनी चाहिए। सो ये ध्यान ये रखना है कि वीर क्या है? आपका विशेषण है, और वीरता इसका भी बताया गया था, क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। तो वीर भी नहीं होगा, गुरु भी नहीं होगा, गुरु भी दिखाई देता है, मनुष्य भी दिखाई देता है, शत्रु, तो शत्रुता से शत्रु, ये शत्रु शब्द क्या है? शत्रु से शत्रुता बनी हुई है, तो इसका मतलब शत्रुता हमें दिखाई नहीं देती, तो क्या हो जाएगा? भाववाचक शत्रुता हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहां देखिए आप कितना अच्छा दिया, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है। व्युत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार के और अर्थ के आधार पर संज्ञा को पांच प्रकार से बांटा गया है, अभी चर्चा हुई थी। तो अगला क्वेश्चन भी संज्ञा से ही संबंधित है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा अभी चर्चा किए थे, जैसे समझिए गाय, गाय क्या है? एक आप बताइए गाय, तो गाय का हम बहुवचन बनाया जा सकता है, गाय है ना, गाय शब्द बनाया जा सकता है ना बहुवचन। अब गाय कई प्रकार की होती है, जर्सी गाय, ये गाय, जर्सी गाय ले लेते तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाता है। पहाड़, अभी पहाड़, पहाड़ तो कई होते हैं ना, ऐसे अब पहाड़ का नाम ले लें, हिमालय पहाड़ ही है, पर्वत पहाड़ बोल सकते हैं। अब ये भी क्या है, इसका भी बहुवचन बनाया जा सकता है। अब यमुना शब्द ले लें, यमुना एक नदी का नाम है, क्या है? नदी का नाम है यमुना शब्द, तो यमुने नहीं बनाया जा सकता, यमुना ही क्या है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आम है,
तो आम तो कई प्रकार, आम के कई वैरायटी होते हैं, यूनिक शब्द नहीं है आम, क्योंकि आम ये वाला जैसे आप बोल सकते हैं देशी आम बोल देते हैं, ठीक है। अब देसी आम में भी और सारे नाम होते हैं, ठीक है, बहुत सारे आम, कई नाम होते हैं, तो आम भी क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब नहीं को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका भी लगाएंगे, जवान, क्या जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य। अब ध्यान रखना है जवान है, ठीक है, जवान है, अब कैसा जवान है, यहां बालक है और यहाँ क्या है सुंदर है और यहाँ क्या है मनुष्य। अब बालक शब्द आ गया, बालक भी क्या है बालके बनाया जा सकता है, जवान, जवानों, बहुत सारे जवान है, तो एक जवान है, दो जवान है, तीन जवान है, अब जवाने बना सकते हैं ना, बहुत सारे जवान आए थे। अब देखिए, लेकिन बालक के, बालके, बाल को बनाया जा सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि सुंदर जो शब्द है वो सुंदर ध्यान रखना है, बहुत सुंदर है, राम सुंदर है, श्याम सुंदर है, सुंदरता क्या दिखाता है, विशेषण को दिखाता है, इसलिए सुंदर का सुंदरता शब्द बनाया जा सकता है, तो सुंदरता क्या हो जाता है भाववाचक हो जाता है, लेकिन यही आपका क्या है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, मनुष्य भी हो सकते हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक ढूंढना है, जैसे मिठाई, बताइए मिठाई तो दिखाई देती है ना, मिठाई तो देख सकते हैं आकार आकृति होती है, चतुराई दिखाई देती है क्या, उतराई दिखाई देती है क्या, इसमें देखिए आप इसका ना मिठाई क्या हो जाएगी, जिसका आकार और आकृति होता है वो भाववाचक नहीं होगा। अब आगे दिया है जातिवाचक संज्ञा बताएं, अब कौन सा जातिवाचक है, जैसे सेना, सेना आपको बताया गया था, ध्यान रखना है सेना एक जाति नहीं, एक समूह का बोध कराता है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। श्याम, श्याम एक नाम है, श्याम का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, तो ये क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दुख, दुख हमें दिखाई नहीं देता, अगर हम दुख दिखाई नहीं देता इसलिए भाववाचक संज्ञा, तो लड़का क्या हो जाएगा, लड़का, लड़की, एक लड़का कैसा है, लड़का कॉमन शब्द है सभी में, राम लड़का है, श्याम लड़का है, ये भी पहचान होती है कि इसमें कॉमन में आ रहा है, लड़का श्याम लड़का है, राम लड़का है, रमेश लड़का है, तब में लड़का लड़का शब्द आ रहा है, तो कॉमन, कॉमन जो कॉमन नाउन भी इसको बोल दिया जाता है, तो बहुत आसान से पहचान है, तो लड़का शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आपके सामने इतने क्वेश्चन, और जो इससे हमें क्वेश्चन दिखा जो संज्ञा से रिलेटेड था उसको हम चर्चा कर चुके हैं। वीडियो आपको पसंद आया होगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।